बात झारखंड की होगी, जहां पर अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। साहिबगंज में 1200 करोड़ के अवैध खनन का ये पूरा मामला, जहां पर आरोपी राजेश यादव के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और निर्दलीय प्रत्याशी सुनील यादव का भाई यह आरोपी बताया जा रहा है। तो ईडी किस तरह से अभी झारखंड में लगातार छापेमारी कर रही है ये देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से अलग अलग मामलों में और एक और छापेमारी की गई है, जिसमें 1200 करोड़ के अवैध खनन, ये पूरा मामला है। अवैध खनन जिस तरह से हो रही है उस पर ये शिकंजा कसने यहाँ पर जा रही है ईडी की टीम, और शिकंजा कस भी चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशी जो सुनील यादव हैं, ये उनका आरोपी जो है वो बताया जा रहा है, ये उनका भाई है जो आरोपी है, जिस मामले में ईडी ने अभी फिलहाल ये शिकंजा कसने की यहाँ पर कोशिश की। बिल्कुल, इसी के साथ झारखंड के साहिबगंज की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, वहां पर 1200 करोड़ रुपए का अवैध खनन का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी राजेश यादव के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। ईडी का शिकंजा जो है एक बार फिर से गिरता हुआ साहिबगंज के आरोपी राजेश यादव पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी सुनील यादव के भाई है ये आरोपी, तो कहीं ना कहीं अब एक तरफ ये सवाल भी उठता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि आज सुनील यादव का राजमहल सीट से नॉमिनेशन जो है वो तय किया गया था, और दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि उनके भाई के ऊपर यानी राजेश यादव के ऊपर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहां नॉमिनेशन था, दूसरी तरफ ईडी का शिकंजा, सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। ईडी की टीम में 4 अधिकारी और आधा दर्जन से ज्यादा, मतलब वहां पर अर्धसैनिक बल जो है वो शामिल है। फिलहाल छापेमारी जो है की जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड के साहिबगंज में ये 1200 करोड़ के अवैध खनन का मामला जो है सामने आया है, जहां पर ईडी द्वारा छापेमारी जो है वो की जा रही है। ईडी द्वारा जो है फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और देखिए झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी हैं और उपचुनाव भी हैं, और इससे पहले ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके भाई के घर पर ये छापा मारा है। उनके भाई का इसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। अवैध खनन का मामला है।